नमस्कार, न्यूज लाइफ प्लेस सच के तालाब में आप सभी का स्वागत है। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर कोविड-19 की स्थिति, एयरपोर्ट और बाबा मंदिर के बारे में स्थिति जायजा दिया। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया। कोरोना वैक्सीन की चर्चा बहुत जोरों से है सर, जिला को क्या दिशा निर्देश मिला है सर? अगर वैक्सीन आता है तो क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? अभी कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि आप जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर हों और बाकी जितने भी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग कर्मचारी से लेके एक छोटे से जो उसके प्यून हैं, सबका एक अति तैयार किया जाए, डाटाबेस तैयार किया जाए और उस डाटाबेस को सरकार के यहाँ प्रेषित किया जाए। तो वो काम हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा एक इंस्ट्रक्शन आया था कि कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जो पुराने जितने भी स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज, जो दवाओं के जो कोल्ड स्टोरेज हॉस्पिटल में हैं, उनको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि अगर कोविड की दवा आती है तो उसको स्टोर उसमें किया जा सके। तो ये सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण है। कोल्ड चेन पहले से भी था, तो वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ जो दवा आते थे उनको मेंटेन ठंडा रखने के लिए पहले से भी कोल्ड चेन की व्यवस्था थी, तो वो व्यवस्था ऑलरेडी दुरुस्त है। जो भी बचा है, कहीं कोई गड़बड़ी है तो उन लोगों को सुधार कर लेने के लिए निर्देश दिया जा चुका है। और डॉक्टरों का डाटा, जो भी या हेल्थ वर्कर है, उसके डाटा सरकार को भेज दिया। मैंने जिले में तैयारी पूरी है, अगर वैक्सीन आता है तो उसको रख रखाव के लिए संपूर्ण या मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई? बिल्कुल। और ये क्या वैक्सीन लगता है कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही दिया जाएगा, ताकि वो समाज, यानी सरकार की जो तैयारी है उससे लग रही है कि सबसे पहले समाज के उसी वर्ग को दी जाएगी जो सबसे ज़्यादा कोविड के नज़दीक है। ट्रैफिक बड़ी समस्या देवघर में होती जा रही है सर, क्या कुछ पहल की जाएगी ताकि थोड़ा निजात मिल पाए लोगों को? बिल्कुल, आप लोगों के तरफ से भी कुछ सुझाव आए हैं या अन्य गणमान्य लोगों ने भी सुझाव दिया है, तो मैंने निश्चित किया है कि SDO, DTO, ट्रैफिक DSP और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड हैं, इन चारों की एक टीम बनाई जाए और इसी तरह की टीम एक मधुपुर में भी बनाई जाए। वो लोग इन संभावना की तलाश कर लें कि कहाँ पर, अगर दो पहिए वाहन को कहाँ लगाने की व्यवस्था हो सकती है, या चार पहिए वाहन अगर इधर उधर लगते हैं तो उनको कैसे, ताकि ट्रैफिक दुरुस्त हो सके। एयरपोर्ट शुरू होने की बात नवंबर में ही थी सर, तो क्या लग रहा है अभी काम पूरा नहीं? अभी तत्कालिक जो वहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको देख के लगता है कि शायद कुछ डिले इसमें हो जाए, लेकिन तैयारियाँ चल रही हैं। सर, मंदिर में जो दो दरवाजा बंद है, पश्चिम और पूर्व, वो क्या खुलेगी सर या अभी बंद रहेगी? लोगों की इच्छा है, खास करके पंडा समाज की और वहाँ पर जो पेरा गली में जो दुकानदार हैं, उनकी इच्छा है कि वो खोली जाए। हम लोग उसकी भी संभावना पर अपना कार्य कर रहे हैं और जैसा जो बेहतर होगा इस पैंडेमिक को देखते हुए, कोविड को देखते हुए, जन के हित में जो होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ₹1800 करोड़ हम लोग के समय में दिया गया था।